चरण यादव भक्त न रही है उसको कोई पता है। नमस्कार, आप मूव मीडिया देख रहे हैं, मैं हूं परमबीर सिंह। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, लालू प्रसाद यादव आज पटना आने वाले हैं, उसको लेकर वो आज दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे थे, तभी पत्रकारों ने उनसे कई सवाल पूछ दिए। सवालों के जवाब देते वक्त लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को अपमानित कर दिया है। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि कांग्रेस कौन, कांग्रेस उसको सीट दे दे हारने के लिए। इसके साथ ही बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास को लेकर लालू प्रसाद यादव ने व्यक्तिगत हमला बोल दिया है। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव ने भक्त चरण दास को लेकर अपमानजनित शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। पहले यह वीडियो देखिए कि कैसे लालू प्रसाद यादव कांग्रेस और भक्त चरण दास को अपमानित कर रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन बिल्कुल टूट गई है। बेकार गठबंधन क्या होता है, कांग्रेस का क्या होता, कांग्रेस का गठबंधन और कांग्रेस हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। आरोप कांग्रेस के नेता ये लगा रहे हैं कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है ये? भक्त चरण दास भक्त को न रही है उसको कुछ पता है? आपने देखा कि लालू प्रसाद यादव ने सीधे सीधे भक्त चरण दास पर व्यक्तिगत हमला बोला, वो शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे हम और आप कहने से भी बचेंगे। आखिर राजद के जो इतनी बड़ी विपक्ष की पार्टी है उसके सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आखिर ऐसे कैसे किसी को व्यक्तिगत बातें कह सकते हैं? ये तमाम बातों को लेकर अब सियासत तेज होगी और कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है यह देखने वाली बात है, क्योंकि कई वर्षों से राजद और कांग्रेस का मधुर रिश्ता था। एक साथ वो सरकार में भी रहे थे, विपक्ष में रहे थे, गठबंधन था, यूपीए में राजद शामिल थी। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव के इस बयान से अब साफ हो गया कि राजद कांग्रेस में कोई गठबंधन नहीं रहा। जी हाँ, आपको मालूम ही होगा कि बिहार में दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इसी को लेकर तकरार बढ़ा, राजद और कांग्रेस आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है। लालू प्रसाद यादव भी जब से जेल से बाहर निकले हैं पहली दफा बिहार जा रहे हैं, लेकिन बिहार जाने से पहले ही लालू प्रसाद यादव ने अपने पुराने तेवर दिखा दिए हैं, अपने पुराने रंग दिखा दिए हैं और कांग्रेस को साफ साफ संकेत दे दिया है कि अब फरिया लीजिए। तो यह रही सबसे बड़ी खबर, अब देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव के इस बयान पर कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ पलटवार आता है, क्योंकि कांग्रेस भी चुप रहने के मूड में नहीं है। कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल जैसे तमाम बड़े नेता कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तारापुर में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव भी आज हेलीकॉप्टर लेकर उड़ गए। तो अब देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में क्या कुछ उबाल देखने को मिलता है। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लालू प्रसाद यादव के इस बयान को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.